हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात कर रहे हैं गणित की परिभाषाओं की, यानी गणित क्या होती है, गणित किसे कहते हैं, गणित की कुछ परिभाषाएं होती है। तो कुछ मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने गणित की कुछ विशेष परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले जो है वो है गिब्स। गिब्स महोदय ने गणित के बारे में क्या कहा है, गणित एक भाषा है, यानी इन्होंने गणित को एक भाषा कहा है। ठीक है, यानी गणित जो है वो एक भाषा के रूप में मानी जाती है। उसके बाद गोस ने कहा है गणित विज्ञान की रानी है, यानी गणित को विज्ञान की रानी माना जाता है। ठीक है, यानी गणित के बिना विज्ञान का अस्तित्व भी संभव नहीं है, विज्ञान में भी गणित को रानी बताया है। ठीक है, उसके बाद आए हैं गैलीलियो। गैलीलियो महोदय कहते हैं कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को लिख दिया। गणित को इतनी बड़ी उपाधि दे दी है कि गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने पूरे जगत को ही लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं मार्शल स्टोन। मार्शल स्टोन ने गणित के बारे में क्या कहा है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें क्या है, अमूर्त व्यवस्था का मूर्त रूप है। ठीक है, अमूर्त से मूर्त रूप है, ये गणित के बारे में कहा है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो है बेंजामिन पियर्स। इन्होंने गणित के लिए कहा है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यानी गणित ही एक ऐसा विज्ञान है जिसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मार्शल स्टोन और बेंजामिन पियर्स ने गणित की ये परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, अगली जो परिभाषाएं आ रही हैं गणित की वो दे रहे हैं आइंस्टीन महोदय। आइंस्टीन क्या कहते हैं गणित के लिए, गणित क्या है, यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। यानी ये कह रहे हैं कि उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है, यानी गणित को अनुभवों का केंद्र माना गया है। ठीक है, इस तरीके से आइंस्टीन महोदय ने गणित की ये परिभाषा दी है। उसके बाद अगले आ रहे हैं होगबेन। होगबेन ने गणित के विषय में क्या कहा है कि होगबेन के अनुसार गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। होगबेन ने गणित को सभ्यता और संस्कृति का दर्पण कहा है। ठीक है, यानी गणित जो है उसमें सभ्यता भी सम्मिलित है, संस्कृति वो भी सम्मिलित है। ठीक है, उसके बाद रोजर बेकन कहते हैं गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, यानी विज्ञान का अस्तित्व भी गणित के बिना संभव नहीं है। तो समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार किसे माना गया है, सिंह द्वार गणित को माना गया है। अगली जो परिभाषा है वो है लॉक की। लॉक क्या कहते हैं, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बालकों में तर्क करने की आदत का विकास होता है। लोक महोदय ये कहते हैं कि बच्चों में तर्क करने की जो आदत है उसका विकास गणित से होगा। ठीक है।